कहानी 49 परमेश्वर की नई वाचा। एक स्वर्गदूत एक जवान स्त्री मरियम ने कहो कि वो परमेश्वर के पुत्र ने जन्म देवेगी। वह हजे कुंवारी ही पर पवित्र आत्मा बिंगे कन्ने आयो और वह गर्भवती हुई बने एक पुत्र ने जन्म दियो जिके को नाम बने यीशु राख्यो। ई खातिर यीशु परमेश्वर और मनुष्य दोनों है। यीशु बहुत सा चमत्कार करया जिका दिखावा है कि वो परमेश्वर है। वो पानी पर चल्यो और आंधी ने शांत करयो बने बहुत सा बीमार लोगों ने चंगो करयो और बहुत सा लोगों मुँह दुष्ट आत्मा निकाली बने मरिया होया लोगों ने जीवित कर दियो और बने 5 रोटी और 2 मछलियां ने 5,000 लोगों ने खिलाने खातिर पर्याप्त भोजन में परिवर्तित कर दियो। यीशु एक महान शिक्षक भी हो जिको कुछ भी बने सिखायो वो बने सिद्धता सागे सिखायो। जिको वो लोगों ने करन खातिर कहवे है वो बने करनो चाहिए क्योंकि वो परमेश्वर को पुत्र है। उदाहरण खातिर बने सिखायो के थाने अन्य लोगों ने भी रीति मु प्रेम करने की आवश्यकता है जिया थे स्वयं ना प्रेम करो हो। बने ओ भी सिखायो के थाने सब वस्तुओं मु अधिक और आपकी संपत्ति मु ज्यादा परमेश्वर सागे प्रेम करनो चाहिए। यीशु के हो के संसार की कोई भी चीज ने प्राप्त करन मु ज्यादा आचो है परमेश्वर के राज्य में होनो। बिंगा राज्य में थारे प्रवेश करने के खातिर जरूरी है कि परमेश्वर थाने थारे पापा मु बचावे। यीशु के हो के कुछ लोग बिना ग्रहण करेगा परमेश्वर बा लोगों ने बचावेगो पर दूसरा लोग बिना ग्रहण को नहीं करेगा। बने ओ भी के हो के कुछ लोग अच्छी जमीन के समान है क्योंकि वे यीशु के बारे में शुभ संदेश ने स्वीकार कर लेवे है और परमेश्वर बने बचावे है। पर कुछ लोग रस्ता की ठोकर जमीन के समान है परमेश्वर को वचन बीज के समान रस्ते पर गिरयो है पर बठे कुछ भी कोनी उगे है। आ लोग यीशु के बारे में संदेश ने अस्वीकार कर देवे है बे बिंगे राज्य में प्रवेश करन मु इनकार कर देवे है। यीशु सिखायो के परमेश्वर पापियां सागे बहुत प्रेम करे है। वो बने माफ करनो चाहे है और बने आपकी संतान बनानो चाहे है। यीशु ओ भी बतायो के परमेश्वर पाप मु नफरत करे है क्योंकि आदम और हवा पाप करयो। ई खातिर बंगे सारे वंशजा भी पाप करयो। ई संसार के रहन आलो हरेक जन पाप करे है और परमेश्वर कनु दूर है। हरेक जन परमेश्वर को बैरी है पर परमेश्वर ई संसार में रहन आला हरेक जन सागे ई तरिया प्रेम करयो बने आप गे इकलौता पुत्र दे दियो ताके परमेश्वर बने सजा ना देवे। जिको बिंगे पर विश्वास करे है इंगे बजाय वो बंगे सागे हमेशा खातिर रेवागो। थे मरन गे लायक हो क्योंकि थे पाप करयो है। थारे सागे परमेश्वर को गुस्सो करनो ठीक ही है। वो यीशु पर गुस्सो होयो बने यीशु ने क्रूस की मृत्यु देगे सजा दी। यीशु कदी पाप को नहीं करयो पर बने परमेश्वर बिना सजा देन दी बने मर जानो स्वीकार करयो। ई तरिया थारे पापा और ई संसार में रहन आला हरेक जन गे पापा ने उठान खातिर एक सिद्ध बलिदान हो। यीशु आपने परमेश्वर खातिर बलिदान कर दियो। ई खातिर परमेश्वर किसे भी पाप ने अठे के बड़े पापा ने माफ कर देवे है। भला ही जे थे बहुत सारा अच्छा काम करता हो तो इंगा द्वारा परमेश्वर थाने को नहीं बचावेगो। बिंगो मित्र बनन गए खातिर इसो कुछ भी कोनी है जिको थे कर सकता हो। इंगो उपेक्षा थाने विश्वास करनो है कि यीशु परमेश्वर को पुत्र है और वो थारे बदले में क्रूस पर मर गयो और ओ भी के परमेश्वर बिना फेर जीवित कर दियो। जे थे इंगे पर विश्वास करो तो परमेश्वर थारे पाप की क्षमा देवेगो। परमेश्वर हर एक जन ने बचावेगो जिको यीशु पर विश्वास करतो है और बिना आपनो प्रभु स्वीकार करतो है। पर वो बिना कोनी चावेगो जिको बिंगे पर विश्वास कोनी करता है ओ मायने कोनी रखे के थे धनी हो या गरीब हो आदमी हो या औरत हो
बुढ़ा हो या जवान हो या थे कठे रेंता हो, परमेश्वर थारे सागे प्रेम करे है और चाहवे है कि थे यीशु पर विश्वास करो कि वो थारो मित्र बन सके। यीशु थाने बुलान लाग रहे है के बिंगे पर विश्वास करो और बपतिस्मो लो के थे विश्वास करता हो के परमेश्वर गो एकलोतो पुत्र यीशु ही मसीह है, के थे विश्वास करता हो के थे एक पापी हो और ओ के थे परमेश्वर द्वारा सजा का योग्य हो, के थे विश्वास करता हो के थारे पाप ने मिटाण के खातिर यीशु क्रूस पर मरियो। जे थे यीशु पर अर जिको की बने थारे खातिर करियो है बिंगा पर विश्वास करता हो तो थे एक मसीह हो। शैतान आपगे अंधकार गए राज्य में अब थारे पर राज कोनी करतो है, अब परमेश्वर आपगे प्रकाश गए राज्य में थारे पर राज करतो है। बने थाने पाप करन मु रोक दियो है जिका थे करता है, बने थाने एक नए उचित जीवन दियो है। जे थे एक मसीह हो तो जिको यीशु करियो है बिंगे कारण परमेश्वर थारे पापा ने क्षमा कर दियो है। अब परमेश्वर एक शत्रु की अपेक्षा थाने एक अच्छो मित्र मानतो है। जे थे परमेश्वर का मित्र हो और प्रभु यीशु का सेवक हो तो थे भी बातां को पालन करने की इच्छा करोगा जिकी यीशु थाने सिखातो है। भले ही थे एक मसीह हो, शैतान अभी भी पाप करने के खातिर थारी परीक्षा करेगो, पर परमेश्वर हमेशा वो करतो है जिको वो कहतो है के वो करेगो। वो कहतो है के जे थे आपके पापा ने मान लियो तो वो थाने क्षमा कर देवेगो, वो थाने पाप के विरुद्ध लड़न की सामर्थ देवेगो। परमेश्वर थाने प्रार्थना करना और बिंगा वचन ने पढ़ने खातिर कहवा है, वो थाने और विश्वासियां सागे मिल गए बिंगी आराधना करने खातिर भी कहवा है। थाने और लोगों ने भी बतानो है कि थारे खातिर के करो है। जे थे ई सारा कामा ना करो तो थे बिंगा एक पक्का मित्र बन जाओगा।